ಸರ್ವಭಾಗವತ ಪ್ರಾಣ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಪ್ರಭೋ ಕಲಿಧ್ವಾಂತೋದಿದಾದಿತ್ಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಿವರ್ತಿತ ಪರಮಾನಂದ ಪಾಟ್ನಾಯ ಪ್ರೇಮ ವಕ್ಷಕ್ಷರಾಯತೆ ಸರ್ವಂದ ಸರ್ವಸೇವ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಮದೇಕ ಬಂಧೋ ಮತ್ಸಂಗಿನ್ ಮದ್ಗುರೋ ಮದ್ಮಹಾಧನ ಮನ್ನಿಷ್ಠಾರಕ ಮದ್ಭಾಗ್ಯ ಮದಾನಂದ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಅಸಾಧು ಸಾಧು ದತ್ತಾಯಿನ್ ಅತಿ ನೀಚೋಚಕಾರಕ ಹಾನ ಮುಂಚಕ ದಾಚಿನ್ಮಾ ಪ್ರೇಮಾರುತ್ಕಂಠಯೋ ಸ್ಫುರ ಪಾದೌ ಯದಿಯೌ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯೌ ತೃತೀಯ ತುರ್ಯೌ ಕಥಿತೌ ಯದೂರು ನಾಭೀಸ್ತಥಾ ಪಂಚಮೇವ ಷಷ್ಠೌ ಭುಂಜಾಂತರಂ ದೋರ್ಯುಗಲಂ ತಥಾನ್ಯೌ ಕಂಠಸ್ತು ರಾಜನ್ ನವಮೋ ಯದೀಯೌ ಮುಖಾರವಿಂದಂ ದಶಮಂ ಪ್ರಫುಲ್ಲಂ ಶಿರೋಪಿ ಯದ್ವಾದಶೈವ ಭಾತಿ ನಮಾಮಿ ದೇವಂ ಕರುಣಾನಿಧಾನಂ ತಮಾಲವರ್ಣಂ ಸುಹಿತಾವತಾರಂ ಅಪಾರ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರ ಸೇತುಂ ಭಜಾಮಹೇ ಭಾಗವತ ಸ್ವರೂಪಂ ಭಜಾಮಹೇ ಭಾಗವತ ಸ್ವರೂಪಂ दूसरे अध्याय को हम पहले से शुरू करेंगे क्योंकि पिछली बार बहुत लोग एब्सेंट भी थे इसीलिए हम पहले से आज हम छह श्लोकों को हम डिस्कस करेंगे पहले स्कंद के दूसरे अध्याय से व्यासुवाच इति संप्रश्न संवृष्टो विप्राणं रो महर्षिणे प्रतिपूज वचस्तेषां प्रवक्तुं पचक्रमे तो पहले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से शौनक ऋषि और आदि सब ऋषियां बैठे हैं नैमि शरण्य में और प्रतीक्षा कर रहे हैं कब उन्हें भागवत सुनने को मिलेगा तब वहां प्रवेश करते हैं सुत गोस्वामी बड़े आदरपूर्वक उन्होंने सुत गोस्वामी को आसन दिया और उनके सामने उन्होंने छह प्रश्न प्रस्तुत किए जब सुत गोस्वामी ने छह प्रश्न सुने तब व्यास जी कह रहे हैं यहाँ इति संप्रश्न समृष्टो जैसे ही उन्होंने ये प्रश्न को सुने समृष्टों का अर्थ है बहुत तृप्ति उन्हें मिली कहते हैं जितना हम प्रश्न पूछते हैं भगवान के विषय में उतना भगवान का जो चर्चा होता है भगवान के विषय का जो चर्चा होता है वो बढ़ता जाता है तो अवसर मिलता है एक वक्ता को बोलने के लिए
तो उन्हें बहुत संतुष्टि होती है. सम रिष्टो का अर्थ है ये फील्स परफेक्टली सेटिस्फाइड आफ्टर हियरिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द सेजेस ऑफ नैमिषारण्य. उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है. क्यों? उन्हें अवसर मिल रहा है भगवान के विषय में और बोलने के लिए. कहते हैं जब हम प्रवचन करते हैं या बोलने का अवसर मिलता है तब हमें तीन लोगों को स्मरण करना चाहिए. वी हैव टू थैंक तीन पीपल, थ्री पीपल. एक तो भगवान स्वयं, भगवान के कारण ही यह अवसर मिलता है बोलने के लिए. दूसरा है गुरु के कृपा से ही हमें बोलने का अवसर मिलता है या वो बुद्धि मिलती है बोलने के लिए भगवान के विषय में. और तीसरा है जो सुनने वाले हैं, जो प्रश्न पूछने वाले हैं, जो सुनते हैं. अगर सुनने वाला नहीं है तो किससे बोलेंगे? तो मनी मन वक्ता को या स्पीकर जो बोलते हैं वक्ता को मनी मन तीन लोगों का अभिवादन करना है, भगवान, गुरु और जो सुनने के लिए आए हुए श्रद्धालु भक्तों का. इस प्रकार से कह रहे हैं व्यास जी कि सुत गोस्वामी को बहुत तृप्ति हुई है, बहुत आनंद भी वे व्यक्त कर रहे हैं. कैसे? विप्राणाम रोम हर्षिणी कहते हैं. विप्राणा रोम हर्षिणी, रोम हर्ष के जो पुत्र हैं सुत गोस्वामी, ये प्रति पूज्य मनी मन पूजन कर रहे हैं या मनी मन धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं. प्रति पूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम उपचक्र में. अब वे इन प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं, इज गोइंग टू रिप्लाई देम. लेकिन कैसे? पहले मनी मन उनका पूजन कर रहे हैं जिन्होंने श्रद्धा से उनके सामने छह प्रश्न प्रकट किए हैं. यम प्रव्रजन्तम् अनुपेतपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि. अब सुत गोस्वामी ये दूसरे और तीसरे जो श्लोकों में अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी का पूजन कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं. कहते हैं हमें प्रणाम मंत्र गाना चाहिए. जैसे अब हम मंगलाचरण गाते हैं तो अपने अपने गुरुओं का प्रणाम मंत्र करते हैं. जो वैष्णव आचार्य हैं उनके प्रणाम मंत्र गाते हैं. उस प्रणाम मंत्र में हम अपने गुरु को उनके गुरु के जो संबंध से जोड़ते हैं. कभी भी हमें गुरु की प्रशंसा करनी है तो वी शुड नेवर डू इट अलोन. उनको अपने उनके जो गुरु ने जो उनके लिए जो कार्य दिया है और उनका गुरु से कितना उनका जैसे बोलते आत्मीयता है वो सब उसमें प्रकट होता है. तो यहाँ अपने सुत गोस्वामी अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी की प्रशंसा कर रहे हैं. कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कौन है? ये व्यास जी के पुत्र हैं. 16 वर्ष तक व्यास जी की जो पत्नी है उनके गर्भ में रहे हैं. 16 वर्ष तक रहे हैं और व्यास जी ने बार बार निवेदन किया आप आ जाइए बाहर. लेकिन यहाँ सुखदेव गोस्वामी को थोड़ा डर था कहीं मैं बाहर आ जाऊँगा तो माया मुझे पकड़ लेगी. तो व्यास जी कहते हैं आपको कैसे माया पकड़ेगी? आप तो सब जो जितने भी माया में फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए तो आप प्रकट हुए हैं. तो इस प्रकार से जब व्यास जी ने बार बार निवेदन किया तब जाकर सुखदेव गोस्वामी प्रकट होते हैं. और सुखदेव गोस्वामी प्रकट होते हैं 16 वर्ष और भाग रहे हैं वन की ओर. कहते हैं मनुष्य जब जन्म लेता है तो मनुष्य को बहुत सारे संस्कार के विधियां को पालन करना होता है. जब जन्म लेता है वैसे तो अगर ब्राह्मण से भी जन्म लेता है तो भी वो शूद्र ही कहलाता है. लेकिन जितने संस्कार उसके ऊपर आते हैं जिस संस्कारों को पालन करता है तब जाकर वो ब्राह्मण कहलाता है. ब्राह्मण इति जानाति ब्राह्मणः. ब्राह्मण यानी अब वो वेद पढ़ सकता है, भगवान के विषय में बोल सकता है और वेद को पढ़कर सबको सुना भी सकता है. तो इस प्रकार से वैष्णव तभी कहलाएगा जब वो वेद को पढ़ के उसको पूरी तरह से ग्रहण कर सकता है तभी वो वैष्णव कहलाता है. When he has realized the Vedas तभी वो वैष्णव कहलाता है. तो ब्राह्मण ये जन्म से ब्राह्मण नहीं होते हैं, उसको संस्कार दिया जाता है, उसे कहते हैं उपनयनम संस्कार.
उपनयनम संस्कार के बाद ही उस व्यक्ति को अब द्विजा कहते हैं. द्विजा माने नाउ ही इज ट्वाइस बॉर्न. पहला जो जन्म है माँ के गर्भ से होता है, दूसरा जन्म जो होता है गुरु से होता है. जब उसे गुरु गायत्री छंद कहते हैं, मंत्र नहीं गायत्री छंद. बहुत बार हमें कन्फ्यूशन होता है ये गायत्री मंत्र है कि छंद है, इसे छंद कहलाते हैं. तो जब गायत्री छंद इसे देते हैं, जब गुरु देते हैं, तो गायत्री से वो दिव्य दिव्य लोक में प्रवेश कर सकता है. या कहते हैं कि वेद पाठ करने के लिए भी जो अनुमति है ये गुरु देते हैं. इस प्रकार से अब द्विजा विप्रा कहलाता है. विप्रा यानी विशेष रूपेण प्रज्ञा, क्योंकि अब वो पढ़ रहा है, वेद पढ़ रहा है, वेद को जान सकता है, पढ़ सकता है. तो इस प्रकार से विशेष रूपेण प्रज्ञा, ही इज बिकम इंटेलिजेंट. अब वो ह्यूमन कहला सकता है बिकॉज ही इज रीडिंग वेदस. ब्राह्मण हो गया है, द्विजा हो गया है, पढ़ रहा है, वेद पढ़ रहा है, तो नाउ ही इज अ ह्यूमन. और अब ह्यूमन है तो नेचुरली ही शुड नो व्हाट इज स्पिरिचुअल. तब स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या है, जब वेद को अच्छी तरह से हम जान सकते हैं, सिर्फ हम पाठांतर कर रहे नहीं, उसको समझ के अपने जीवन में उतारना, तब जाकर वेद को जो जानता है अपने जीवन में उतारता है, उसे वैष्णव कहलाते हैं. वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, कृष्ण कहते हैं. वेद पढ़ने से सिर्फ काफ़ी नहीं है, वेद पढ़ के ये भी जानना चाहिए. वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, कृष्ण को जानना है वेद से. वेद पाठी तो बहुत है लेकिन भगवान कौन है पूछिए, तब घुमा फिरा के बोलते रहेंगे भगवान कृष्ण है. जस्ट सिंपल आंसर, वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, कृष्ण कहते हैं वेद से मुझे जानना है. वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, कृष्ण कहते हैं मैंने ही वेद की रचना की है. तो वेद से कृष्ण को जानना है. अगर उस व्यक्ति ने वेद से कृष्ण को जान लिया तब जाकर वो वैष्णव कहलाता है. अगर वो वेद का पाठी नहीं है लेकिन इतना जानता है कि भगवान ही परम पुरुषोत्तम है, तो ये अनुमान लगाना चाहिए कि इसको पूरा वेद आता है. अगर उसने वेद पढ़ा भी नहीं बट ही नोज द कंक्लूजन ऑफ द वेदस, इट इज अंडरस्टूड दैट ही नोज द वेदस. तो इस प्रकार से संस्कार दिए जाते हैं. लेकिन यहाँ सुखदेव गोस्वामी तो वैष्णव है. सुखदेव गोस्वामी कौन है, राधारानी के तोता है. उन्होंने भागवत परम भागवत से सुना है. परम भागवत कौन है, वैष्णवानाम यथाशंभु, शिवजी जो है ये परम भागवत है. परम भागवत से उन्होंने भागवत सुना है. तो सुखदेव गोस्वामी जो राधारानी के तोता है, तो वे स्वयं वैष्णव हैं. उन्हें किस प्रकार का संस्कार की अनुमति चाहिए, कौन सी संस्कार चाहिए उन्हें, इसीलिए यहाँ कहा है यम प्रवजंतम अनुपेत अपेत कृत्यम. अनुपेतम अपेत कृत्यम का अर्थ है ही डिड नॉट वेट फॉर एनी फॉर्मल सेरेमनीज. कुछ फॉर्मेलिटी के लिए उन्हें वेट करने की जरूरत नहीं है, बस वे निकल पड़े. कहाँ निकल पड़े, वन की ओर निकल पड़े. द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, द्वैपायन. तो इस प्रकार से यहाँ सुखदेव गोस्वामी वन की ओर निकले, लेकिन व्यास जी ये विरह में रो रहे हैं. और कैसे रो रहे हैं, पुत्रेति पुत्रेति, अरे मेरे पुत्र रुक जाओ रुक जाओ, इस प्रकार से रो रहे हैं पुत्रेति पुत्रेति. तन्मयतया, तन्मयतया ने बहुत ही उनको प्रेम है, इतना अपने पुत्र से प्रेम है. कहते हैं दो प्रकार के तन्मयतया स्त्रीमयतया भी रहते हैं. जो स्त्रीमयतया होते हैं वे इस भौतिक जगत में आसक्ति रखते हैं. तन्मयतया का अर्थ है अपने पुत्र से आसक्ति है, लेकिन ये जो पुत्र है ये वैष्णव है, इसलिए ये जो आसक्ति है ये भवबंधन का कारण नहीं हो सकता है. वैष्णव के प्रति हमें आसक्ति होनी चाहिए, वैष्णव से प्रेम होना चाहिए. तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी जो है ये परम वैष्णव है. तो आज मैंने एक पढ़ा था, एक बहुत अच्छा पढ़ा था, जिसे भगवान से प्रेम है वो भक्त कहलाता है, जिसे भगवान के भक्तों से प्रेम है वो भक्त राज कहलाता है. तो इस प्रकार से तन्मयता का अर्थ है
जो अपने पुत्र से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन वो पुत्र कौन है? भगवान के परम भक्त हैं। तरवो अभिनेदुस, तरवो का अर्थ है पेड़, पेड़ भी रो रहा है, पेड़ भी सुखदेव गोस्वामी के लिए रो रहा है। और एक अर्थ है जहाँ बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं सर्वभूत हृदयम, सर्वभूत हृदयम का अर्थ है सुखदेव गोस्वामी में वो क्षमता है कि वे सबके हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। तो वे पेड़ के हृदय में भी प्रवेश करके अपने अपने पिता से कह रहे हैं पुत्रेति पुत्रेति, इको इज हर्ड। जैसे आप अगर जंगल में जाएंगे और जोर से कुछ बोलेंगे तो आपको वापस आवाज आता है, तो इस प्रकार से जो पुत्रेति पुत्रेति कर रहे हैं व्यास जी, तब उन्हें भी सुनाई दे रहा है पुत्रेति पुत्रेति। वो पुत्रेति पुत्रेति कौन कर रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, कह रहे हैं कौन पुत्र है? आप कि मैं? ये जन्म में ऐसा लग रहा है कि मैं आपका पुत्र हूँ, पिछले जन्म में कौन? आप मेरे पुत्र थे कि मैं आपका पुत्र था? वास्तव में हम किसके पुत्र हैं और किस कौन हमारे पिता हैं? आप ऐसे, आपको ऐसा लग रहा है कि आप मेरे पिता हो, आपको मुझसे इतना प्रेम है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप मेरे पिता हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन कौन पुत्र कौन पिता? कौन है हमारे वास्तव में पिता? अहम बीज प्रदापिता, कृष्ण कहते हैं मैं ही सबका पिता हूँ। हम तो ऐसे संसार में मान के चले हैं ये मेरा पिता है, ये मेरी माँ है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ऐसा मेरा घर परिवार है। वास्तव में हमारे पिता जो हैं वे कृष्ण हैं, हम ही उनके पुत्र हैं। तो हम फलाना फलाना के पुत्र हैं, फलाना फलाना मेरा पिता है, ये सब एक प्रकार का मिथ्या अहंकार है या मिथ्या पहचान है। जब हम अहंकार कहते हैं तो इसका अर्थ है मिथ्या पहचान। इस जन्म तक हम किसी को पिता कह सकते हैं या पुत्र कह सकते हैं, लेकिन अगर वास्तव में देखेंगे तो हम कृष्ण के ही पुत्र हैं। तो कह रहे हैं यहाँ सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि, मेरे जो गुरु हैं ये सबके हृदय में प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए मैं उन्हें दंडवत प्रणाम करता हूँ। और फिर कह रहे हैं आप में तो इतनी क्षमता है कि आप सबके हृदय में प्रवेश कर सकते हैं, तो मेरे भी हृदय में प्रवेश करके मुझे ज्ञान प्रकट करिए। अगर हम सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं, ओ सुखदेव गोस्वामी जी हमें भागवत का कुछ ज्ञान नहीं है, हम क्या जान सकते हैं भगवान के विषय में? भागवत बोलना या सुनना ये एक मानव की क्षमता में नहीं है, ये तो हमारे गुरु हमारे आचार्य उन्हीं के कारण हम सुन भी सकते हैं या बोल भी सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम जो होता है गुरु की कृपा के बिना नहीं हो सकता है। तो कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी को आप मेरे गुरु हैं तो आप ही मुझे ज्ञान दे सकते हैं, गुरु के कृपा के बिना हम भगवान को कभी नहीं जान सकते हैं। इसलिए दोहा भी कहते हैं अगर गुरु और कृष्ण खड़े हैं तो आप किसको प्रणाम करेंगे? गुरु को प्रणाम करेंगे, क्योंकि कृष्ण कौन है यह हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन हमें गुरु दिखा सकते हैं कृष्ण कौन है, गुरु ही हमें कृष्ण के विषय में जानकारी दे सकते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ सर्वभूत हृदयम, आप सबके हृदय में प्रवेश कर सकते तो मेरे हृदय में भी प्रवेश करके मुझे भगवान के विषय में ज्ञान दीजिए। फिर कहते हैं यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम, अध्यात्म दीपम अतिथि तीर्षम तमो अंधम, संसारिणां करुणया पुराण भूयम् तं व्यास सोनुम् उपयामि गुरुं मुनीनां। तीसरा श्लोक, तो कह रहे हैं यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम, आप इस विषय में बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं आप उस विषय में बोल रहे हैं जिसका आपको अनुभव है, क्योंकि राधा रानी के तोता है तो नेचुरली राधा और कृष्ण के प्रेम के विषय में सब कुछ जानते हैं। भागवत क्या है? भगवान और भगवान के भक्तों के
प्रति प्रेम और भक्त को भगवान के प्रति प्रेम जो आदान प्रदान है, भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में जो आदान प्रदान है, भगवान की ये सृष्टि कैसी हुई है, सब चीज़ें तोता जानता है, क्योंकि राधा रानी का पर्सनल तोता है सुखदेव गोस्वामी। यह स्वानुभावम, आपने अनुभव किया है, जो चीज़ हम अनुभव करते हैं उसी विषय पे हम बोल सकते हैं। अगर हम अनुभव नहीं करेंगे तो कैसे बोलेंगे? तो इसीलिए आपने अनुभव किया है, इसीलिए यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारम। अखिल श्रुति, ये जो भागवत है ये सभी श्रुति का सार है। श्रुति यानी वेद, सभी वेद का जो सार है ये है श्रीमद् भागवतम। और फिर कह रहे हैं अखिल श्रुति सारम, और एक अर्थ है इसका, श्रुति यानी सुनना। हम बहुत विषय सुनते हैं, विषयों के बारे में सुनते हैं, लेकिन सभी जितने भी हम क्या क्या जो जो सुनते हैं, सभी सुनने में जो सबसे बड़ा जो सार है वो क्या है? श्रीमद् भागवतम। इट इज़ द एसेंस ऑफ ऑल द हियरिंग्स एंड इट इज़ द एसेंस ऑफ ऑल द वेदस। बहुत कुछ सुनते हैं, अन्य अन्य ग्रंथ भी हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, सभी का सार श्रीमद् भागवतम है। जो कुछ सुन भी रहे हैं उस सब के सा जो सार है वो क्या है? कृष्ण का जो महिमा जो श्रीमद् भागवतम में है। बहुत महिमा के बारे में सुनते हैं, इनकी महिमा, उनकी महिमा। आप देखिए पुराणों में कितने सारे देवी देवताओं की महिमा है, लेकिन सभी जितने भी महिमा के बारे में हम सुन रहे हैं, सब महिमा में जो सार है वो है कृष्ण की महिमा, क्योंकि कृष्ण ही सभी देवी देवताओं के स्रोत हैं। आम आदिर ही देवानाम, कृष्ण कहते हैं मैं ही आदि। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो इस प्रकार से ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर हैं, परम कृष्ण हैं। तो इस प्रकार से ही इज अ कंट्रोलर ऑफ ऑल द कंट्रोलर्स। तो श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपम, ये अध्यात्म दीपम का अर्थ है, श्रीमद् भागवतम सुनने से हमें अपना पहचान मालूम होता है। अधि आत्मा, अध्यात्म यानी वी अंडरस्टैंड अवर आइडेंटिटी। मेरा वास्तव में पहचान क्या है? मैं भगवान का दास हूँ, यही मेरा पहचान है। अध्यात्म दीपम, ये पहचान दिलाने के लिए हमें ज्योत चाहिए, और वो ज्योत क्या है? श्रीमद् भागवतम। वी कैन सी सम ऑब्जेक्ट इफ देयर इज अ लाइट, इफ देयर इज नो लाइट देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ सीइंग एन ऑब्जेक्ट। अगर आपने ट्यूबलाइट नहीं जलाया, ये पूरे कमरे को अंधकार में रखा, क्या आप कुछ देख सकते हैं? नहीं। इसी प्रकार से कृष्ण सूर्य समान माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कृष्ण और भागवत में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण स्वयं भागवत है, भागवत स्वयं कृष्ण है। कृष्ण सुधामो पगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलौ नष्ट दृश्यमेशा पुराणाको अधुनोदितः। पुराणार्क अधुनोदित है, ये पुराण जो है, भागवत पुराण जो है, ये स्वयं कृष्ण है। इसलिए कृष्ण और भागवत में कोई अंतर नहीं है। तो कृष्ण सूर्य समान माया है अंधकार, ये माया जो है अंधकार है। ये माया क्या है? जो गलत पहचान है ये माया है। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं, जहाँ भी कृष्ण है, जहाँ भी भागवत है, वहाँ तहाँ नहीं माया अधिकार, वहाँ गलत पहचान नहीं हो सकता है, वहाँ सही पहचान होता है। इसलिए अध्यात्म दीपम, अध्यात्म दीपम का अर्थ है श्रीमद् भागवतम जो है ये दीप है, जिससे हमें हमारा असली पहचान मालूम होता है। अतितितीर्षम तमोंधम, अतितितीर्षताम, अतितितीर्षताम का अर्थ है जो माया के भवसागर से जो हमें पार कराता है वो है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम इज़ कम्पेयर टू ए बोट विच कैन क्रॉस द ओशन ऑफ मिसाइंस। तो कहते हैं आपने परीक्षित महाराज को तार दिया, इसी प्रकार से आप मुझे भी तार दीजिए और आने वाले कलियुग के लोगों को भी तार दीजिए। कैसे? श्रीमद् भागवतम से। आपने जो श्रीमद् भागवतम दिया है, दिस इज अ बोट, इसे एक नाव से तुलना किया है। इस नाव पे जो भी चढ़ जाता है वो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो बड़ा भवसागर है, उस बड़ा भवसागर को चुटकी में पार कर सकता है।
क्योंकि जो भी भगवान का आश्रय लेता है समाशिता ये पदपल्लव प्लवम महत्पदम पुण्येशो बुरारे भवाम बुद्धिर वत्स परम पदम परम पदम पदम यद विपदम न तेषाम हर पद में सिर्फ विपद है पदम पदम यद विपदम न तेषाम हर पद में विपद है समाशिता ये पदपल्लव प्लवम भगवान के जो लोटस फीट को पल्लव कहते हैं पल्लव यानी बोट उसी प्रकार से भगवान और भागवत में कोई अंतर नहीं है जो भागवत का आश्रय लेता है उसे भवाम बुद्धिर वत्स परम पदम परम भवाम बुद्धिर जो बड़ा भवसागर है ये वत्स के जो फीट होते हैं वत्स यानी काफ काफ वो जितना पाँव रखता है उस पाँव में जितना पानी होता है आप सोचिए उस पानी कितना छोटा है उसको पार करना कितना ईजी है ऐसे भवसागर को इतना छोटा बना देते हैं भगवान तो कह रहे हैं अतितितिर्षतम तमो अंधम ये तमस जो है यही अंधकार है और यही एक भवसागर है इसे पार करने के लिए हमें आपका आश्रय लेना है और आपने हमें श्रीमद् भागवतम दिया है संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम क्यों दिया है आपने श्रीमद् भागवतम क्योंकि आपके अंदर करुणा है करुणा जो है ये दया से भी बढ़ के है दया से कोई भिखारी को भी एक रुपया दे देता है या कोई कुछ खाने को दे देता है लेकिन वो 10 रुपया दे दिया 1 रुपया दे दिया उसने उसे क्या यूज़ किया नोबडी इज बॉदर्ड दया ये कहते हैं दैट इज टेम्पररी दया आता है ठीक है कुछ दे दिया कपड़ा दे दिया लेकिन करुणा जो है उसके विषय में सोचना उसके जैसे माँ को अपने पुत्र के प्रति करुणा होता है चिंता होती है करुणा दया से आप चिंता को जोड़ लीजिए उसे करुणा कह सकते हैं चिंता होना चाहिए अरे इसका क्या होने वाला है क्या मैं वो 1 रुपया दे रही हूँ या दे रहा हूँ उससे वो पीने वाला है कि सचमुच खाने वाला है हम ये चिंता नहीं करते हैं इसीलिए दया इज अ वेरी लो प्लेटफॉर्म इस दया में अगर चिंता जोड़ देंगे तो क्या होता है वो करुणा होता है जैसे माँ को अपने बच्चे के प्रति करुणा होती है इसलिए माँ क्या करती है अपने वक्षस्थल से क्या करती है उनको स्तनपान कराती है क्यों करती है क्योंकि उनको करुणा है दया से भी ज़्यादा उनको चिंता है अगर मैं स्तनपान नहीं कराऊंगी तो ये बच्चा कैसे जीवित रहेगा बाहर का पानी पिएगा हाँ बाहर का दूध पिएगा तो इससे क्या मेरा बच्चा चिंतित जीवित रहेगा इसलिए माँ चिंता से और प्रेम से चिंता कब किससे करते हैं आप जिससे प्रेम है उसी से चिंता करेंगे सबका चिंता नहीं करते हैं अगल बगल का चिंता नहीं करते हैं किसका चिंता करते हैं जिससे प्रेम है उसकी चिंता करते हैं तो प्रेम चिंता दया ये सब जब जुड़ जाता है तो समझ लीजिए वही है करुणा आपको चिंता होता है क्या होगा मेरे पुत्र का क्या ये गलत रास्ते में जा रहा है या सही रास्ते में जा रहा है जिसके प्रति चिंता है समझ लीजिए वहाँ सही प्रेम है तो यहाँ कह रहे हैं आपको ये संसार के प्रति चिंता है और कौन से संसार के प्रति जो कलयुग के आने वाले लोगों के प्रति आपको चिंता है क्या होने वाला है कलयुग के लोगों का क्योंकि मंद बुद्धि मंद भाग्य अल्पायु प्रायण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन गे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य पादतः पहले इसका पहले अध्याय में हमने पढ़ा कि ये सब दोष हैं इस कलयुग में और इस दोषों से हम हमारे जो आत्म साक्षात्कार के प्रति हम कुछ हमें कुछ चिंता ही नहीं है लेकिन चिंता कौन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं भले हमें चिंता नहीं है हम कौन से मार्ग में जाने वाले हैं क्या होने वाला है क्या हमें भवसागर को पार करना है कि नहीं करना है हमें चिंता ही नहीं है हमें तो सिर्फ एक ही चिंता रहती है अब 8 बजे कब ये प्रोग्राम चालू होगा टीवी देखने में हम एकदम मस्त हैं आप सोचिए कितना फालतू चिंता लेके बैठेंगे लेकिन हमारा क्या होने वाला है क्या मैं शरीर छोड़ने के समय भगवान का स्मरण कर पाऊंगी या कर पाऊंगा क्या मेरे अगले जीवन में मैं भगवान का स्मरण कर सकता हूँ क्या मुझे अगला जीवन से मुझे मुक्ति मिल सकती है अगर अगला जीवन मिला भी तो मैं क्या भक्ति कर सकता हूँ ऐसे कभी हमने चिंता लिया ही नहीं है बहुत सारी चिंता लेके बैठे हैं मेरे ओल्ड एज में क्या होगा LIC पॉलिसी सब लेके बैठ जाते हैं
ओल्ड एज के बाद मरण के बाद क्या होगा उसकी चिंता क्या हमने किया है कभी भी? वी आर नॉट बॉदर अबाउट दैट. योगक्षेमम वहाँ में हम LIC वाले तो ले लेते हैं, योगक्षेमम वहाँ में हम, लेकिन कब तक? सिर्फ ये जीवन तक. उसके बाद योगक्षेमम वहाँ में हम, कृष्ण कहते हैं आई टेक केयर ऑफ द थिंग्स वॉट यू हैव, आई टेक केयर ऑफ द थिंग्स वॉट यू डोंट हैव. अगला जीवन अभी हमारे पास नहीं है लेकिन कृष्ण उसका भी देखभाल करते हैं. तो योगक्षेमम महाम्यम ये सिर्फ हमारे से चुरा लिया है LIC वालों ने, और लोग भी क्या करते हैं, धोखा खा लेते हैं. हाँ LIC हम देखो हमारा रक्षा करता है, लेकिन भगवत गीता से जो चुरा लिया है, भगवत गीता पे उतना श्रद्धा रखो जितना LIC पे रख रहे, उससे ज्यादा रखना चाहिए, एटलीस्ट उतना तो रखो भगवत गीता पे. तो कहते हैं संसारयाम करुणया, ये संसार के लोगों के प्रति करुणा है सुखदेव गोस्वामी को. उन्हें मालूम है कलयुग के लोग जो है ये सबसे बड़े मूर्ख लोग हैं, इतने मूर्ख हैं कि उन्हें जो चिंता असली में करनी चाहिए वो नहीं करते हैं, फालतू चिंता लेके बैठे हैं, फिर अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं, सब बढ़ा देते हैं. जो चिंता करनी चाहिए वो करते नहीं हैं, वो जो नहीं करनी चाहिए वो सब लेके करके फिर क्या करते हैं, हॉस्पिटल में जाके लैंड हो जाते हैं. अनवांटेड टेंशन, अनवांटेड प्रेशर, जिसको देखो टेंशन है. छोटे छोटे 40 ईयर्स में दे हैव ब्लड प्रेशर. वॉट यू आर टेकिंग बाबा ब्लड प्रेशर टैबलेट्स यू आर टेकिंग, वाई वो हैव लॉट ऑफ टेंशन, नो माई फैमिली टेंशन, दैट टेंशन, सोशल टेंशन, सो मेनी टेंशन फॉर नो रीजन. एक टेंशन होना चाहिए, क्या मैं भगवान का स्मरण कर रहा हूँ, नहीं कर पाऊंगा ये नहीं मालूम. तो संसारी ना, इसलिए कहते हैं कि कलयुग के लोग एकदम मूर्ख हैं, इसलिए ऐसे मूर्ख लोगों के लिए क्या करते हैं सुखदेव गोस्वामी खुद करुणा, उन्हें चिंता हो रही है. जैसे अगर बच्चा मूर्ख है तो माँ को ज़्यादा टेंशन होता है, अगर बच्चा सयाना रहता है तो माँ इतनी चिंतित नहीं रहती है, अगर मूर्ख बच्चा है तो माँ ज़्यादा टेंशन लेती है. तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी की जो वात्सल्यता है उस पर यहाँ दिया है कि कैसे सुखदेव गोस्वामी हमारे माँ हैं, उन्हें इस संसार के प्रति करुणा है, इसीलिए पुराण गुह्यम, ऐसे गुह्य ज्ञान को इस पुराण में उन्होंने दिया है. भागवत पुराण जो है ये गुह्य ज्ञान है, भगवान के विषय में जानना, भगवान की लीलाओं को जानना ये साधारण नहीं है. दिस इज द मोस्ट सीक्रेट मैसेज विच हैज़ बीन गिवन बाय सुखदेव गोस्वामी. ये सबसे बड़ा पुराण, ये जो स्क्रिप्चर है ये बहुत गुह्य स्क्रिप्चर है. तम व्यास सूनम उपयामी गुरु मुनीनाम, व्यास सूनम का अर्थ है व्यास जी के जो पुत्र हैं उनको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ. सुत गोस्वामी कह रहे हैं और कह रहे हैं ये सभी गुरुओं के मुनीनाम, मुनीनाम का अर्थ सभी मुनियों के ये गुरु हैं. इतना तक जब सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा कर रहे हैं तो उनके पुत्र व्यास जी, नारद जी सभी उस असेंबली में बैठे हैं. परीक्षित महाराज तो सुन ही रहे हैं उस सभा में, और कौन कौन बैठे हैं, सभी मुनियाँ बैठे हैं. सबके वे कौन हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके पिता के भी आध्यात्मिक गुरु हैं, बल्कि उनके पिताजी ने ही उन्हें चतुर्श्लोक की भागवत सुनाया, कृष्ण के प्रति और आकर्षण कराया कृष्ण की लीलाओं के प्रति. तो व्यास जी उनके आध्यात्मिक गुरु हैं, लेकिन अब व्यास जी ने भी उन्हें अपने गुरु स्वीकार कर लिया है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जब भागवत कहते हैं तो वो बहुत मधुर लग रहा है, क्योंकि सुखदेव जो है ये सुखा यानि पैरट, जो तोता जो फल को खाता है उस फल को ज़्यादा मीठा माना जाता है. अब ये सब्जेक्ट को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी रदराणी के तोता है, इसीलिए अब इस विषय में और मिठास बढ़ गया है. इसीलिए नारद जी जो व्यास जी के गुरु हैं, अब सोचिए नारद जी व्यास जी के गुरु हैं, व्यास जी सुखदेव गोस्वामी के गुरु हैं, लेकिन सभी लोगों ने सुखदेव गोस्वामी को अपना गुरु मान लिया है. तो बहुत सुंदर श्लोक है ये श्लोक, जिसमें सुखदेव गोस्वामी की वात्सल्यता, सुखदेव गोस्वामी की जो श्रेष्ठता, इस पर चर्चा किया गया है. और फिर कहते हैं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जया मुदीरये। अब सुत गोस्वामी कह रहे हैं जय। हाँ, यहाँ ये जो श्लोक है ऐसा लग रहा है कि सुत गोस्वामी कह रहे हैं, लेकिन ये जो श्लोक है सुखदेव गोस्वामी अपने गुरु के लिए कह रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं नारायणम नमस्कृत्य। सुखदेव गोस्वामी जब भागवत सुना रहे हैं तो भागवत सुनाते समय किसकी किसका स्मरण करना चाहिए? कृष्ण का, गुरु का। और जो भक्ता जो आए हैं, श्रद्धालु भक्त हैं जो सुनने के लिए आए हैं, वो सबकी जय घोषणा करनी चाहिए। तो यहाँ जय घोषणा कर रहे हैं, जयम मुदीरये, इस प्रकार से जय घोषणा कर रहे हैं। कहते हैं भागवत पढ़ने के पहले हमें ये श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। जैसे हम करते हैं जब भी हम भागवत पढ़ते हैं, ये श्लोक का हम उच्चारण करते हैं। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जयम उदीरयेत। जय घोषणा कर रहे हैं। किसकी जय घोषणा कर रहे हैं? नारायण की जय घोषणा कर रहे हैं। नारायणम नर नारायण ऋषि, नारायणम नरम चैव, यहाँ नर नारायण के नर नारायण की जय घोषणा कर रहे हैं। क्योंकि भागवत कहाँ लिखा था? बद्रिकाश्रम में लिखा था। व्यास जी बद्रिकाश्रम में बैठकर भागवत लिख रहे हैं। और बद्रिकाश्रम के जो प्रिसाइडिंग डीटीज हैं वो कौन है? नर नारायण ऋषि, वही वहाँ के प्रिसाइडिंग डीटीज है, या कह सकते हैं वहाँ के अधिष्ठान देवता जो है वो कौन है? नर नारायण ऋषि है। तो नारायण का स्मरण करके, जय घोषणा करके, उनको नमस्कार वंदना करके, नरम चैव नरोत्तमम, नरोत्तमम कौन है? अर्जुन। तो अर्जुन के स्मरण करते हुए देवीम सरस्वतीम, यहाँ सरस्वती के तट में बैठकर बद्रिकाश्रम में व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना की। लेकिन यहाँ जो सरस्वती का उल्लेख किया है वे आध्यात्मिक जगत की सरस्वती का उल्लेख किया है। भौतिक जगत में जो देवी देवताएं हैं उन्हें जो बल शक्ति जो प्राप्त होती है वे आध्यात्मिक या दिव्य जगत के जो अधिष्ठान देवता है उनसे प्राप्त होती है। जो आध्यात्मिक जगत या कृष्ण का जो जगत है, द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वहाँ बहुत सारे देवी देवता हैं। लेकिन वो देवी देवता कौन है? जो कृष्ण की लीला में कृष्ण को की सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं, कृष्ण की लीला में भागी रहते हैं, सहभागी रहते हैं। तो कृष्ण की लीला में जो भी उन्हें सेवा करते हैं उन्हें आध्यात्मिक जगत के देवी देवता है कहते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में सरस्वती है, जिनसे भौतिक जगत की जो सरस्वती है, जैसे सरस्वती पूजा करते हैं हम, दुर्गा पूजा के समय में एक सरस्वती पूजा आता है, वो सरस्वती पूजा जो है वो इस जगत की जो सरस्वती है, जो विद्या की अधिष्ठान देवी है, उनका हम स्मरण करते हैं, नमन करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन इस जगत की जो सरस्वती है उन्हें ये जो बल है, ये शक्ति है, कहाँ से प्राप्त होती है? दिव्य जगत के सरस्वती से प्राप्त होती है। तो इसीलिए यहाँ देवीम सरस्वतीम, कौन सी देवी? दिव्य जगत की देवी सरस्वती, जिनसे भागवत की रचना व्यास जी ने किया है। क्योंकि भगवान के विषय में भौतिक जगत की सरस्वती नहीं जान सकती है, सिर्फ आध्यात्मिक जगत की जो सरस्वती है वही भागवत यानी भगवान के विषय में जान सकती है। इसलिए भौतिक जगत की सरस्वती से लोग क्या करते हैं, पूजा में क्या करते हैं? अपने अपने बच्चों का पुस्तक रखते हैं, मेटीरियल बुक्स। अगर इंजीनियरिंग पढ़ेगा तो इंजीनियरिंग बुक रखेंगे, सीनियर के जी पढ़ेगा तो सीनियर के जी के बुक्स रखेंगे, कि भौतिक जो पढ़ाई है उसको पार कर दो। लेकिन भागवत जो है ये भौतिक जगत की सरस्वती नहीं दे सकती है, वो सिर्फ आध्यात्मिक जगत की सरस्वती, जिसके पास भगवान का स्पेशल अनुग्रह। क्या अनुग्रह है? भगवान के विषय में आध्यात्मिक जगत की सरस्वती ही जान सकती है। इसीलिए देवीं सरस्वतीं व्यासं, सुखदेव गोस्वामी सरस्वती जी को नमन करते हुए व्यास जी को नमन कर रहे हैं। व्यास जी कौन है? उनके गुरु हैं। सुखदेव गोस्वामी के जो गुरु हैं वो हैं व्यास जी। व्यास जी की जय घोषणा कर रहे हैं। तो नर नारायण की जो घोषणा किया है नर, यानी यहाँ अर्जुन, नर नारायण जी का घोषणा करते हुए, सरस्वती जी का घोषणा करते हुए, और फिर व्यास जी का घोषणा करते हुए, अब
सुखदेव गोस्वामी भागवत का प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से जब हम भागवत पढ़ते हैं तो हमें ये श्लोक का उच्चारण करना है। फिर जो पहला प्रश्न पूछा था उससे उसका जो उत्तर है सूत गोस्वामी पांचवें श्लोक में कह रहे हैं, मुनि साधु पृष्ठो हम, इस श्लोक को दिया नहीं है अब सिर्फ हमें रिपीट करिए, मुनि साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। पहले अध्याय के 9वें 11वें श्लोक में आप जाइए, सॉरी 9वें श्लोक में जाइए, द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय द सेजेस ऑफ नैमिषारण्य, मन 11वें श्लोक में जाइए जहाँ कह रहे हैं, नववें श्लोक, तत्र तत्रांजसा युष्मन् भवता यद् विनिश्चितं पुंसाम् एकान्तश्रेयस् तन्नः संस्थितुम् अर्हसि, पुंसाम् एकान्तश्रेयस्। ये पहला प्रश्न था, 9वां श्लोक जो है ये पहला प्रश्न था। तो ये पहले प्रश्न में क्या पूछा था, ऐसे एक चीज बताइए, एक ही चीज बताइए जो सबके लिए श्रेयस है, विच इज अल्टीमेट गुड फॉर एवरीवन। उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए और फिर 11वें श्लोक में जाइए, दोनों श्लोकों को आप कंबाइन करिए, 9th एंड 11th। 9th में कहते हैं श्रेयस जो सबके लिए अच्छा है, और 11th में कह रहे हैं क्या, सुप्रसीदति, येनात्मा सुप्रसीदति, जो सबके लिए हित है, सुप्रसिद्ध यानी सबको जो संतुष्टि देती है, सुप्रसीदति, वॉट इज दट वन थिंग विच इज गोइंग टू सेटिस्फाई एवरीवन, सुप्रसीदति श्रेयस, वॉट इज दट वन थिंग विच इज गुड फॉर एवरीवन। तो इसी का उत्तर देते हुए यहाँ कह रहे हैं, उत्तर क्या कह रहे हैं, मुनिया साधु पुष्टोहम भवद्भिर्लोक मंगलम, आपने जो प्रश्न पूछा है ना, भवद्भिर्लोक मंगलम, ये सबके लिए हितकारी है। जो प्रश्न पूछा या उत्तर भी नहीं दिया, क्या बोल रहे हैं, जो आपने प्रश्न पूछा है ये प्रश्न ही सबके लिए हितकारी है, दैट इज गुड फॉर एवरीवन। क्यों, ये प्रश्न किसके ऊपर है, कृष्ण के ऊपर है। जो भी विषय में केंद्र बिंदु अगर कृष्ण है तो समझ लीजिए दैट टॉपिक इज गुड फॉर एवरीवन। तो कह रहे हैं मुनेहा साधु पृष्ठो हम भवद्भिर लोक मंगलम, आप सबके मंगल के लिए ये प्रश्न पूछे हैं, इसलिए ये प्रश्न ही सबका हित करेगा। यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो, और ये प्रश्न क्या है, कृष्ण संबंधी है, कृष्ण संबंधी ये प्रश्न है, इसीलिए सबके लिए मंगल है, ये नात्मा सुप्रसीदति। इस प्रकार से ये प्रश्न ही सबको संतुष्टि प्रदान करेगा, और ये प्रश्न ही सबको आनंद प्रदान करेगा, संतुष्टि प्रदान करेगा, और सबके लिए मंगल कार्य है। और फर्दर जो है ये हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबके पास हैंडआउट्स भी नहीं है। ओके, हरे कृष्ण। तो अब जो श्लोक्स आएंगे एक एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको घर में